हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। कैसे हो आप सभी छात्रों? आज आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स होगी। आप लोग नज़रें गड़ा के रखेंगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगा और बहुत आसानी से आएगा, पूरा एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन आप सभी की बुक में है, अगर आपने एनसीईआरटी किताबें लिया है तो। देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? एपी क्या है, कैसे समझते हैं, इनके खानदान क्या हैं, परदादा दादा के बारे में मैं पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बता चुका हूँ। नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लेना एक बार, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका, देखो ये तो इनका स्ट्रक्चर है कि करना क्या है, ये इसका मुख्य क्वेश्चन है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी एक टैक्सी है जो कहीं जा रही है और वो कहाँ जा रही है, कितना दूर जाएगी, इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन प्रथम किलोमीटर जब उस पर यात्री यात्रा करेगा तो उसे 15 रुपये खर्चा करना होगा एक किलोमीटर जाएगा। एक किलोमीटर के बाद वो जितना भी और दूर जाएगा उसे 8 रुपये हर किलोमीटर का अतिरिक्त देना होगा। तो ये जो कंडीशन बन रही है, क्या ये समांतर श्रेणी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी, यही तुम्हें बताना है। तो चलिए सारी इनकी कहानी हम आपके सामने ला के रखते हैं, इनका सलूशन हम इधर खाली जगह में करेंगे, ठीक है? सलूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, लिखो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया, ठीक है, टैक्सी किराया, ये मैं शार्ट में लिखूंगा, ठीक है? तो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है भैया, 15 रुपये है, ओके। अब यहाँ पे लिखोगे आप सेकंड किलोमीटर का टैक्सी किराया। देखिए सेकंड किलोमीटर का टैक्सी किराया जो होगा 15 रुपये तो मूल है ही पहले से, उसमें 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो यानी 15 + 8 = 23 रुपये, यानी द्वितीय किलोमीटर का टैक्सी किराया 23 रुपये होगा। इसी तरह से आपका थर्ड किलोमीटर का टैक्सी किराया, थर्ड किलोमीटर का क्या होगा, 23 तो पहले से है प्लस 8 रुपये इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 31 रुपये, कितना हो जाएगा 31 रुपये। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो चौथे किलोमीटर का टैक्सी किराया, ठीक है, यानी हर किलोमीटर का 8 रुपये बढ़ता जा रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही वर्तमान में, हाँ LPG पेट्रोल बढ़ रहा है वैसे ही। तो अगला क्या कितना हो जाएगा, 31 + 8 = 39 रुपया। देखिए अगर ध्यान दीजिए तो एक सीरीज बन रही है, पहला 15, दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39, बन रही है ना। अब नीचे आप लिखोगे अतः श्रेणी बराबर, अतः अब श्रेणी श्रेणी बराबर 15, 23, 31, 39, बन रहा है ना। अब क्या करोगे, इनको देखो सर्वांतर इनमें निकालो भाई, अभी पता नहीं एपी है कि नहीं है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, सब में 8-8 है ना। नीचे लिखो प्राप्त श्रेणी का सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी, लिख लीजिए प्राप्त श्रेणी का सर्वांतर अर्थात डी यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। इतना लिखना है, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग NCERT किताबें लिए होंगे, बहुत अच्छा होगा, है ना, तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। कह रहा कि किसी बेलन में उपयुक्त हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है? चलो देखिए क्वेश्चन मैंने सामने आपके लिख दिया है, अब इसे आप लोग पढ़ सकते हो। कह रहा है कि किसी बेलन में, बेलन का मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे अभी आपने देखा था टैक्सी किराया वाला, वैसे ये भी है। उसमें टैक्सी किराया प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ रहा था, इसमें प्रत्येक बार टोटल हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। अब बेलन में हवा कितना है, वायु का प्रेशर कितना है, ये नहीं दिया है। हमें क्या दिया है, कह रहा है कि बेलन के अंदर जो उपस्थित हवा है उसकी मात्रा का 1/4 भाग वो पंप बाहर निकाल दे रहा बस। तो भैया बेलन में हमें कुछ अता पता है नहीं इसमें है क्या। तो हम मान लेते हैं कि बेलन का जो आयतन है इसमें हवा का, भाई हवा की मात्रा तो मुझे पता नहीं है, तो हम इसका आयतन मान लेंगे, ठीक है। माना इसमें जो बेलन का आयतन है यानी टोटल हवा जो है वो कितना है, V है, क्योंकि आयतन को V से डिनोट करते हैं, है ना। अब प्रश्नानुसार देखिए, जैसे जैसे ये कह रहा वैसे वैसे हमें करना है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो बेलन में हवा निकालने वाला पंप है जिसको मतलब प्रेस करते हैं, तो 1/4 भाग वो बाहर निकाल दे रहा है। तो भैया जो उसमें टोटल हवा है यानी V से, वो क्या कर रहा है, V का 1/4 भाग बार बार वो क्या करता है, बाहर फेंक दे रहा है। तो इनको हल कर लो, कितना बचेगा पहली बार में, V माइनस ये V/4 आ जाएगा भैया, हाँ कब बाबू यही हो जाएगा ना, घटा लो इसको, तो ये 3V/4 बचेगा। ये पहला स्टेप में 3V/4 बचेगा, चूँकि हमें एक सीरीज बनाना है ना। तो जैसे टैक्सी किराया में हमने निकाला था पहला किलोमीटर का, दूसरा तीसरा चौथा चार पांच स्टेप निकाला था, तो वैसे ये पहली बार में तो इतनी हवा बची है, लेकिन अब जितनी हवा बची है इसका 1/4 भाग वो बेलन फिर से बाहर फेंक देगा, कितना, 1/4 भाग। तो ये तो पहली बार में हो गया। अब दूसरी बार में करेंगे, तो दूसरी बार में भाई ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, कहीं भी लिख सकते हो कुछ भी, चाहे तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप वैसे हल तो मुझे ऊपर ही करना पड़ेगा, इसको मैं मिटाऊंगा। अब ये याद रखना, पहला स्टेप में आपका 3V/4 आया है, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसे अब, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप में आ जाओ, ये जो 3V/4 हवा की मात्रा बच रही है इसका भी 1/4 भाग वो पंप फिर से बाहर निकालेगा, तो कितनी हवा बचेगी, चलो दूसरे वाले स्टेप में देख लो, मैं इसको बी मान लेता हूँ। तो 3V/4 से कितना निकलेगी हवा, कितना, जितनी उसमें है उसका 1/4। तो भैया टोटल हवा तो इतना है, तो इसमें से 3V/4 का 1/4 भाग, मैंने सही लिखा है ना, टोटल हवा की मात्रा ये थी, तो इसका 1/4 इसमें से घट जाएगा, कम हो जाएगी। तो चलो, तो ये आपका 3V/4 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 3V/16, क्यों यही हो जाएगा ना, हाँ घटा लो इनको, इनका एलसीएम 16 आ जाएगा, 4 से भाग करोगे ये 12V-3V आएगा, फाइनल में 9V/16। यानी इतनी हवा बच रही है दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में टोटल हवा V थी, दूसरे में उसका 1/4 निकलने के बाद 3V/4 बची थी, तीसरे स्टेप में हवा की मात्रा कितना बचेगी, अब ये जो बची है तुम्हें दिख रही है, इसको एक स्टेप और आगे कर लो, करें कि ना करें, वैसे 3 मिल गया है, श्रेणी बन जानी चाहिए ना, जाने दो, अब श्रेणी लिखो क्या बनी, आता श्रेणी V 3V/4 और 9V/16, इन तीनों में अगर आप सर्वांतर निकाल के देखो तो कहीं भी बराबर नहीं आएगा, चलो निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको लिखते चलिए, मैं सर्वांतर भी निकाल रहा हूँ, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर आप नहीं लिख पाते इतना जल्दी तब वीडियो को रोक करके, वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है भैया साहब, सर्वांतर निकालना है ना, ठीक है, सर्वांतर जी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a, मतलब दूसरा पद से पहला पद को घटाना है,
तो दूसरा पद इसमें क्या है हमारे पास, 3b/4 है, इसमें से पहला पद b को घटाएंगे, सबट्रैक करना हम सबको आता है, इनका तिरछा गुणा करो, हाँ आप सबको आता है, ये -v/4 आएगा। अब अगर ये भी हल करना नहीं आता, नाइन्थ में पहुँचे हो तो क्या जानते हो, 1 का इसमें गुणा करो, 4 का इसमें करो, तो 3b-4b/4 हो जाएगा, इतना आएगा। ये तो पहला ही स्टेप आया, अभी इसमें समझ में नहीं आएगा ये श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए एक सर्वांतर तो कम से कम और निकालना पड़ेगा, तो भाई एक और निकालो, तो a2-1 किया था हम, इसको a3-2 कर लेते हैं, यानी तीसरा वाला पद से दूसरा वाला पद घटाएंगे, तो तीसरा वाला पद है 9b/16 -3b/4, इन दोनों को घटा के देखो, इन दोनों को जब हम घटाएंगे, मैंने घटाया था तो -3b/16 आएगा, कितना आएगा, -3b/16 आएगा, यानी जो पहला सर्वांतर आया था v/4, जो दूसरा सर्वांतर आया है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है, हाँ दोनों बिल्कुल अलग है ना, तो हम नीचे लिख सकते हैं, चूँकि d का मान बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, जल्दी करिए नोट कर लीजिए, क्योंकि d का मान बराबर नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। सही दिख तो रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, चलो जल्दी कर लो भाई, मैं हट गया हूँ सामने से। नीचे क्या लिखना है, चूँकि सर्वांतर d का मान बराबर नहीं है अतः दी गई श्रेणी ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, तो अब इसका थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई। देखो थर्ड पार्ट कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत ₹150 है और इसके बाद की जो खुदाई की लागत है वो प्रत्येक मीटर ₹50 की दर से बढ़ती जाती है। भैया जैसे पहला अभी मैंने टैक्सी किराया वाला करा था बाबू, वैसे ये होगा, इसको तुम खुद से करोगे, मैं नहीं बताने वाला, ये थर्ड पार्ट होमवर्क रहेगा। जैसे पहला टैक्सी किराया वाला था एकदम वैसे है, बिल्कुल थोड़ा भी अलग नहीं है, तो आप लोग इसे करोगे, ठीक है, सभी समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, क्लास की क्वालिटी वगैरह में कोई समस्या है तो बता देना, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ भाई अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्लियर, कुछ ज़्यादा चमक दमक आ रही है का, सही है ना। तीसरा आप लोग होमवर्क करोगे, चौथा मैं खुद करवाने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसका जो फोर पार्ट है बच्चा, देखो कह रहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये जैसे पहला किया था टैक्सी किराया वैसे है, लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। इसका सलूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लो क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप लिखो शुरुआती राशि बराबर या फिर ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती राशि, तो भैया शुरू शुरू में राशि कितना रुपए थी खाते में, ₹10,000, ठीक है, कह रहा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो एक साल बाद, भाई वार्षिक कह रहा है ना, साले भर में तो ब्याज बढ़ेगा, ये तो नहीं कल बढ़ जाएगा, परसों भी बढ़ जाएगा, तब तो फिर बर्बाद हो जाएंगे सब। हाँ अब लिखोगे एक साल बाद राशि बराबर, एक साल बाद राशि बराबर, ये 10,000 है प्लस इस 10,000 का 8% का मतलब गुड़ा, इसलिए मैं गुड़ा लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका 8% निकाल लो। तो चचा तुम लोग पढ़े लिखे हो, 10,000 का 8% कर सकते हो, ₹800 आएगा, कर लेना, इतना पढ़े लिखे हो, मैथमेटिक्स पढ़ाया हूँ, तो फाइनल में ये ₹10,800 हो जाएगा एक साल बाद, ठीक है। अब दो साल बाद राशि कितना होगी,
एक साल बाद राशि तो 10,800 रुपये हो जाएगी, 2 साल बाद इस टोटल राशि का 8% होगा बच्चा, यानी 10,000 का तो 8% होगा ही, प्लस जो बीएजीएल लग रही 800 रुपये ना, इसका भी 8% होगा। मतलब कितना होगा जानते हो? 864 रुपये। यानी 800 ब्याज तो 10,000 का जुड़ेगी ही, जैसे यहाँ जुड़ी है, लेकिन 800 रुपये का 8% भी 64 रुपये होगा। ठीक है, तो अगले साल वाला लिखो, ऐसे बनेगा कुछ ऐसे बनेगा बच्चा। 10,000, हाँ ये 10,000 है ना, का आगे लिखो 10,000 का, या फिर ऐसे लिख दो 10,800 प्लस, ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसी में जुड़ेगा। लिखो 10,800 प्लस 10,800 का 8%, ये इसका हकीकत है, सच्चाई है। जैसे ऊपर लिखा था ना 10,000 प्लस 10,000 का 8%, वैसे ये भी है। तो भैया हो 10,800 ऐसे रहेगा, इसका निकालोगे जब 10,800 का 8% तो 864 रुपया होगा, इस तरह से इनको जोड़ोगे 11,664 रुपया होगा। क्यों सही जुड़ रहा है ना? अरे भैया 200 रुपये में और ले आओ तो ये 11,000 होएगा, 664 रुपये हो गया। इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा करके फाइनल में लिखूंगा। ठीक है, सारणी बनाना है बस, अब हो गया। अगली लाइन में इनकी सारणी बनाओगे, पहला पद ये 10,000 है, दूसरा पद 10,800 है, तीसरा पद है 11,664। चलिए हो गया, अब लिखिए अतः सारणी बराबर, लिखिए जल्दी जल्दी, अतः सारणी बराबर। बहुत ही दिल से और दिमाग से पढ़ना है, ये पढ़ने वाली चीज है ना। कुछ बच्चे जो कमेंट किए जा रहे हैं, डंडा किए जा रहे हैं, मर कट जा रहे हैं कमेंट में, बेटा पढ़ लो, मैं कमेंट में तुम्हारा एक नाम नहीं बोलने वाला, नाम मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ तुम जो भी समझ लो, आज मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले सिर्फ पढ़ रहे हैं। अतः सारणी बराबर, पहला क्या था 10,000, फिर 10,800 आया, फिर 11,664 आया, ऐसे आया ना। जरा एक मिनट सोचो, क्या ये समांतर श्रेणी है? इनका सारबांतर निकालो, इन दोनों को घटाओ आपस में, 800 आएगा, इनको घटा लो इसमें भी 800 आएगा, बराबर आ रहा है ना। यानी क्या है, ये समांतर श्रेणी है। यहाँ पे लिखो अतः सारबांतर बराबर, घटा लो, लिख लो, जब आ ही रहा है तो घटा लो, हाँ 800 आया। नीचे लिखो, एक बार और सारबांतर निकाल लो, सारबांतर डी बराबर, दूसरा वाला भी निकाल लो, क्योंकि हमें तो वेरीफाई करना है ना क्लियर करके कि सही है कि नहीं सही है, दोनों स्थिति में बराबर आ रहा है। नीचे लिखो, चूंकि सारबांतर डी का मान बराबर आ रहा है, सारबांतर डी बराबर आ रहा है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, बहुत जल्दी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी करिए फास्ट। पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो गए, दूसरा क्वेश्चन आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो दोस्तों में इसे शेयर जरूर करो, ठीक है। हाँ, दूसरा वीडियो मतलब क्वेश्चन आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे तो शेयर जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, जिससे कि आपको सारी क्लासें मिल सकें यूट्यूब पे। अगर आपने एप्लीकेशन में कोर्स लिया है तो नोट्स बनाइए, ठीक है। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाओ भाई, जिससे सब बेहतर हो सके।